नमस्कार दोस्तों, मास्टर में आर पे यूट्यूब चैनल का स्वागत। दोस्तों दोस्तों आज मेरे पास एक थोड़ा अजीब किस्म से फॉल्ट फंसा है पहले बार। दोस्तों इसमें देखो मैंने न्यू कार्ड डाला अभी जस्ट करेंटली डीजी प्लस का न्यू कार्ड है ये। इसका जस्ट अभी ये देख सो डीजी प्लस का भी जस्ट मैंने न्यू कार्ड डाला इसमें। और दोस्तों जब इसे मैं ऑन कर रहा हूँ तो इसमें पहले तो आपको पता है इसमें दूसरे कंट्री का चैनल रहता है, तो मैंने वो डिलीट कर दिया। और डिलीट करने के बाद जब स्कैन कर रहा हूँ तो कोई चैनल नहीं आ रहा है। जब भी स्कैन कर रहा हूँ कोई चैनल नहीं आ रहा है, आपको एक बार दिखा देता हूँ। और टीपी भी आपको डाल के दिखा देता हूँ कि इसमें टीपी डालने पर भी टीपी शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाता हूँ प्रोग्राम सेटअप पर, और यहाँ पर मैं इसमें टीपी डाल के देखता हूँ 97 आगे बढ़े 97। ठीक, यहाँ पर आपको टीपी डालना है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर 11090 ये डालना, ठीक। उसका 29500 डालना है यहाँ पर। ये भी ठीक है, बाकी सब ये ओके है। इतना डालने पर यहाँ पर आपका सिग्नल मिल जाता है, बाकी इस कार्ड में सिग्नल नहीं मिल रहा है। मेन आपको जब भी कार्ड में आपका कोई सा सिग्नल का दिक्कत आता है तो ये मेथड जरूर ट्राई करके देखें। इसमें आपका सिग्नल आ गया तो समझ जाओ आपका कार्ड 100% ओके है। कुछ सिग्नल उग्नल में दिक्कत होगा, ऐसे होगा, बाकी यहाँ पर इस टीपी पर सिग्नल नहीं आ रहा। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, हमारे जो सॉफ्टवेयर टूल्स है इस साइड ला लेते हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर टूल्स है, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर टूल्स है। अब इसके मदद से इसको हम सॉफ्टवेयर करेंगे। तो ये हमारा टूल्स है, इस टूल्स को हम लगा लेते हैं। ये हमारा चार पिन है, यहाँ पर सबसे पहले ऑफ कर देते हैं और यहाँ पर हम ये पिन लगा लेते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर करने का पिन है इसमें, ये लगा दिया। और उसके बाद हमें इसे क्लोज कर देना है, कट नहीं करना, क्लोज कर लेना है। उसके बाद जो हमारा अली 3510C का लोडर ऑन करना है, यहाँ से सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करना है। तो डीडीफीडिस यहाँ से हम सिलेक्ट किए, अग्रेड कॉम्पोर्ट 1 ही रहेंगे, कॉम्पोर्ट को नहीं छेड़ना है, ठीक है, कॉम्पोर्ट 1 रहेगा। यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक करना, यहाँ से इसको पावर दे देना। जैसे पावर दोगे यहाँ पर देखो हमारा जो टूल्स है इसमें भी लाइट ऑन हो जाएंगे, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर देखो सॉफ्टवेयर डलना भी स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों ये टूल्स मैंने अपने घर पर बनाए, इसको कैसे बनाना इसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, TTL कन्वर्टर घर पर कैसे बनाए। यहाँ पर देख सकते हो सॉफ्टवेयर भी डलना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो 15% हो चुका है और यहाँ पर भी आपको वही परसेंटेज नज़र आ रहा है 100%। तो दोस्तों कभी कभी आप घबराओ मत, न्यू कार्ड है तो उसमें भी सॉफ्टवेयर का दिक्कत हो सकता है। इसमें पूरा ट्राई किया उसके बाद मैंने आपको ये मेथड बताने के लिए सोचा। तो यहाँ से नेक्स्ट टाइम आपको क्लिक करना है, ये नेक्स्ट टाइम क्लिक करना है, ये वेरीफिकेशन ले रहा है। और वेरीफिकेशन लेने के बाद ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगे, यहाँ पर देखना ये ऑन हो जाएंगे, देखो ऑन लिखाया। इसको अब हम कट कर देते हैं, ठीक, इसका अब ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर देखते हो डायरेक्टली चैनल चलने लग गया है। यहाँ से मैं ऑफ करता हूँ और इसमें आ गया दोस्तों मेरा लोगो। अब इसमें आ गया दोस्तों, ये देख सकते हो, अब आ गया इसमें मेरा लोगो, ये देख सकते हो मास्टरमाइंड का। तो दोस्तों इसमें घबराने का कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत रहता है, इसको आपको थोड़ा समझना पड़ता है, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है कि सॉफ्टवेयर के रिलेटेड भी ये दिक्कत आता है। तो ये बॉक्स बहुत अच्छी तरह मैंने मॉडिफाई किया दोस्तों, इसमें LED लगा दिया मैंने, क्योंकि जब ये सॉफ्टवेयर होता है तो LED का इंफॉर्मेशन देता है कि हाँ सॉफ्टवेयर आपका हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने देखो एक ही क्लिक में इस कार्ड को, जो न्यू कार्ड है इसमें सॉफ्टवेयर का दिक्कत था उसको भी एक ही क्लिक में मैंने इसको ओके कर दिया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में।